आप पूछेंगे जी क्या कारण था, क्या क्रांतिकारियों के जोश में कमी आई, क्या उनका उत्साह खत्म हो गया, उनके पराक्रम में कोई कमी आई। उसका एक ही कारण था कि 1905 के जो क्रांतिकारी इस देश के लिए लड़ रहे थे उनके मन में सत्ता और सिंहासन का कोई लोभ नहीं था, कोई लालच नहीं था, और आदर्श और उद्देश्य ये था कि भारत देश अखंड रहे, ये टूटे नहीं, किसी भी स्तर पर ये देश का बंटवारा ना हो। और 1905 का बंटवारा टालने में हम सफल रहे, लेकिन 1947 तक आते आते इस देश में महापुरुषों के चेहरे बदल चुके थे। 1947 तक आते आते कई महापुरुषों के मन में सत्ता और कुर्सी और सिंहासन का लोभ जग गया था। कई महापुरुषों के मन में ये तय हो गया था कि मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना है या उसे देश का प्रधानमंत्री बनना है। ये सत्ता और सिंहासन का लोभ जब चढ़ा तो भारत के बंटवारे को हम रोक न सके।